फिलहाल आज का टॉपिक हमारा क्या है? मूविंग अराउंड द टेबल। अब मूविंग अराउंड द टेबल मीन्स सपोज डैट हमारे पास क्या होगा, एक टेबल होगा जो हम लोगों ने कल बनाया था। टेबल में कैसे हम लोग मूव करेंगे, शॉर्टकट कीज़ हमने दे रखा है अप्रॉक्सीमेट, इसमें से आप लोग शॉर्टकट की जानते हैं, है ना। मैं सरसरी अंदाज में इसको क्लियर करते हुए आगे निकल जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे टैब, टैब का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। यहाँ पे दो कॉलम है और ये हमारा एक सेल है और ये भी एक सेल है, ये पता है आप लोगों को। तो अगर कर्सर हमारा यहाँ पे है, टैब बटन का यूज़ करेंगे नेक्स्ट सेल में जाएंगे, और शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो नेक्स्ट से प्रीवियस। जैसे यहाँ पे है और इसमें आना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, शिफ्ट प्लस टैब। अब यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है जी, राइट एरो और लेफ्ट एरो। अब इसका यूज़ हम लोग पहले से बखूबी जानते हैं। राइट एरो का यूज़ करते हैं तो फॉरवर्ड वन कैरेक्टर, यानी हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे एक कैरेक्टर ये फॉरवर्ड करता है। लेफ्ट एरो का यूज़ करते हैं, एक एक कैरेक्टर क्या करता है, बैकवर्ड करता है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा समझाने की हाजत नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे अप एरो और डाउन एरो। अब अप एरो और डाउन एरो में क्या होता है, एक एक लाइन अप एंड डाउन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो अप एरो में एक लाइन अप और डाउन एरो एक लाइन डाउन करेगा, लाइन नहीं सॉरी एक एक रो, है ना, एक एक रो डाउन करेगा। नेक्स्ट अल्ट प्लस होम करेंगे टू फर्स्ट सेल इन द रो। जैसे हमारे पास एक रो है, एक रो में दो सेल है यहाँ पे, अगर इस टेबल की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे हैं और अल्ट प्लस होम करेंगे तो पहले वाले सेल में चल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दो ही है, अगर दो चार पाँच छः होता तो हम लोग एक रो में, अगर लास्ट वाले सेल में हैं तो हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं, अल्ट प्लस होम से फर्स्ट सेल में चले जाते हैं। इसी का अपोजिट हो जाएगा कि हम लोगों का अल्ट प्लस एंड। अब इसका यूज़ क्या होगा सर, हम लोग अगर हम लोग फर्स्ट सेल में हैं तो लास्ट सेल में हम लोग चल जाएंगे। अल्ट प्लस पेज अप टू फर्स्ट सेल इन द कॉलम, क्लियर है। और अल्ट प्लस पेज डाउन करेंगे तो सेम कॉलम के लास्ट सेल में हम लोग आ जाएंगे। तो ये था कुछ शॉर्टकट कीज जो हम लोग पहले से जानते हैं, और ये टॉपिक भी आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेट सबको पता है जिन लोगों ने यहाँ पे वर्डपैड पढ़ा है, राइट। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये क्या है, नया है, है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट, यू कैन इंसर्ट डेट। ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं सर, वस्तु, हमने पहले ही बता रखा है। तो आप किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, यू कैन इंसर्ट डेट टाइम। आप डेट एंड टाइम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, हम लोग को पहले से पता है। सिंबल जो हम लोगों को इंसर्ट नहीं किया था, कहाँ पे, वर्ड पैड में हमको सिंबल नहीं मिलता, हाँ मिलता है तो एक फॉन्ट के द्वारा मिलता है, उस फॉन्ट का नाम क्या है, विंगडिंग्स फॉन्ट के द्वारा मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमको बना बनाया सिंबल दिख जाता है, एक बॉक्स में, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे, वहाँ से कोई भी सिंबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंबल, पिक्चर एंड वर्ड आर्ट, ये तो बिल्कुल ही नया टॉपिक होगा एमएस वर्ड के लिए। वर्ड आर्ट हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं, राइट, है ना। तो वर्ड आर्ट भी हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, एमएस वर्ड में, जो हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हाउ टू इंसर्ट डेट टाइम एंड डेट टाइम इन डॉक्यूमेंट। हम लोग डेट और टाइम को डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सिंपली हम लोग जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमको क्या मिलेगा जी, डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे क्या, डेट एंड टाइम के, राइट। हम लोग कोई भी डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो डेट एंड टाइम जो आपके सिस्टम में चल रहा होता है वो डेट एंड टाइम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, कहाँ पे, आपके डॉक्यूमेंट में, वेयर, जहाँ पे आपका कर्सर होगा, राइट है। आगे बढ़ के देखते हैं तो आगे हम लोगों को क्या मिला है, इंसर्ट सिंबल। अब ये कुछ नया होगा यहाँ पे, और इसमें बहुत सारे सिंबल हमको मिल जाएंगे जो आपको वर्डपैड में मिले भी नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा मैं हम लोग इक्वेशन भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, क्या, इक्वेशन। अब इक्वेशन समझते हैं हम लोग, जिसको हिंदी में समीकरण कहा जाता है, राइट। तो इसका यूज़ हम लोग बहुत बार करते हैं, इक्वेशन या फिर सिंबल का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे कि आप एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर रहे हो मैथ्स का, किसका, मैथ्स का। तो मैथ्स में होता है ना 1/2,
है ना, या फिर रूट अंडर एनीथिंग एल्स, तो ये चीज़ें आपको कीबोर्ड में कभी नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा। उसको कहाँ से इंसर्ट किया जाता है, इक्वेशन से या फिर सिंबल से लेके आया जाता है, राइट ना। तो एक क्वेश्चन पेपर टाइप अगर करना हो, जो भी मैथ्स के टीचर हैं, तो उनके लिए ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट इक्वेशन आप 1/2 लिख ही नहीं सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हमने कहा है डिफरेंट सिंबल्स फ्रॉम डिफरेंट फॉन्ट और स्पेशल कैरेक्टर, अलग अलग प्रकार का सिंबल अलग अलग फॉन्ट से या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। कहाँ पे सर, अपने डॉक्यूमेंट में। अच्छा, वो सारे सिंबल या फिर वो सारे इक्वेशन जो हम टाइप नहीं कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि कीबोर्ड में रहता ही नहीं है, राइट। तो वो सिंबल हम लोग कहाँ से लेके आ सकते हैं, सिंबल से, या फिर एक और इक्वेशन का ऑप्शन मिलेगा। हमने इक्वेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं दे रखा है, वो इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि हमारे पास जहाँ पे सिंबल मिलता है, बिल्कुल सिंबल के पास ही क्या मिल जाता है, इक्वेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इन सेम प्रोसेस में आप सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हो और सेम प्रोसेस में इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हो। हम गए हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में हमको मिल जाएगा सिंबल। क्या मिल जाएगा सर, सिंबल। सिंबल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स मिलेगा, छोटा सा, जिसमें कुछ सिंबल होंगे। वहीं पे हम लोग जो सिंबल चाहिए एक बार क्लिक करेंगे, वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर होगा। लेकिन मे बी जो छोटे से डायलॉग बॉक्स में सिंबल है उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है, एंड जो हमको नीडेड है वो उस बॉक्स में नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मोर सिंबल में जाएंगे। मोर सिंबल में जाएंगे तो हमारे पास एक बड़ा डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे सिंबल्स होंगे, है ना। आप जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको सिंबल उसमें मिल जाएगा। इज इट क्लियर, अलग अलग फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो, वो ऑप्शन हम बताएंगे लैब में। या फिर आप एक शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है सर, Alt+I+S। जैसे Alt+I+S करेंगे तो सिंबल का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो या तो आप इतना प्रोसेस यूज़ करो या फिर ये शॉर्टकट की यूज़ करो, आपके सामने सिंबल का बॉक्स आ जाएगा। कोई भी सिंबल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट या चूज़ करेंगे और इंसर्ट करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में, वो इंसर्ट हो जाएगा। सिंपल है। सेम प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं और इक्वेशन को अपने मुताबिक एडिट भी कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना। आगे बढ़ के देखते हैं इंसर्ट शेप। अब इस शेप का ही यूज़ करके आज हम लोग अपना प्रोजेक्ट करने वाले हैं लैब में, है ना। क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, MCS इंस्टीट्यूट का हम लोग बनाने वाले हैं बैनर, राइट। पूरा एग्जैक्ट बैनर हम लोग बनाने वाले हैं और टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आपका लैब आवर जो होता है वही होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरे दिन में एक काम को अंजाम दें, राइट ना। अपने टाइम के मुताबिक काम को अंजाम देना, ये आपकी क्वालिटी होती है, राइट सर। टाइम के बाद नहीं। अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हो तो टाइम कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट, हाँ सर, 3 घंटा 20 मिनट आप दे सकते हो एग्ज़ाम। हाँ, मे भी हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर एग्ज़ाम का टाइम आपका है 3 घंटा 15 मिनट, बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो क्या आप 3 घंटा 20 मिनट दे सकते हो, पेपर खींच लिया जाता है, राइट ना। तो वक्त बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, जो वक्त हमको मिलेगा उसी वक्त में हमको करना होगा, है ना। और बिल्कुल शिकायत नहीं होना चाहिए कि सर हमको टाइम नहीं मिला, आपको 1 घंटा प्रॉपर मिलेगा और 1 घंटा में आपको ये कैसे होता है, जो टाइम मिलेगा उस टाइम में हमको अपना काम करना, ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है। कोई रामबाण नहीं होता, कोई रामबाण नहीं होता, है ना। और कोई दरूद शरीफ हम पढ़ के अपने काम को जल्दी से नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सब जो होता है ना, ये हमारे दिल के सुकून के लिए होता है, इबादत के लिए होता है ना। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी किसी काम को अंजाम दे पाओगे। आई एम राइट रॉन्ग सर? विदाउट प्रैक्टिस आप किसी काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ इबादत कर लेते तो सब कुछ हो जाता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता नहीं कि तुम तिजारत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता नहीं कि तुम हिजरत करो, नहीं ना, बोलता कि ठीक है तुम नमाज़ पढ़ो घर में, हम तुमको जन्नत से खाना भेजेंगे, राइट रॉन्ग?
ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया, बोला नमाज पढ़ो वो मेरी इबादत है, और काम करो जिसे तुम अपने बाल बच्चों को माँ बाप का मदद कर पाओ। राइट रॉन्ग, हम राइट ना। सो बहरहाल अब हम लोग पॉइंट की तरफ आते हैं, और एक घंटे में आज अपने लैब को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। करेंगे ना सर? इजाज़त दे, यहाँ पे हम आ जाए। चलिए, इन शर्ट शेप यू कैन ऐड वन शेप टू योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इंसर्ट शेप के द्वारा हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो फाइल होगा उसमें एक शेप ऐड कर सकते हैं, और कंबाइन भी। हमने पहले क्या कहा, एक शेप ऐड कर सकते हैं और कंबाइन भी, है ना। अब ये शेप में हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो बैनर है ना हमारा, वहाँ पे क्या है, ADCA, DCA, टैली, ऑटोकैड, सबको अलग अलग शेप में रखा गया है। रखा गया है ना, नहीं रखा गया सर? सबको अलग अलग शेप में रखा गया है ना। तो आप एक शेप चाहें तो एक शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं, और चाहें तो कंबाइन या मल्टीपल शेप भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो एक एक करके बहुत सारा शेप आप ले सकते हैं, और सारे शेप में आप कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेक अ ड्राइंग, क्या करने के लिए, एक ड्राइंग बनाने के लिए, या फिर मोर कॉम्प्लेक्स शेप लेने के लिए भी। मोर कॉम्प्लेक्स शेप, शेप का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे शेप आप लेके एक ड्राइंग या फिर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीडेड या फिर अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। इज इट क्लियर? सो आगे बढ़ के देखते हैं, अब हम लोग ये शेप लेंगे कैसे। तो शेप लेने के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे सर, इंसर्ट टैब में जाएंगे, और इंसर्ट टैब में हमको क्या मिलेगा, शेप मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? अब धनंजय जी से मैं थोड़ा सा मुखातिब रहूँगा और पूछूँगा, सर इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, इलस्ट्रेशन, एनीवन? उज्मा, शिफा, शिफा, थैंक यू, फाइनली आप आ गई है ना सर। हम इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रण, क्या होता है, चित्रण। तो चित्रण सही है ना तो हम लोग चित्रण में जाएंगे तो हमको चित्र मिल जाएगा। अब चित्र तो समझ रहे हैं ना सर, क्या होता है उसे, शेप या फिर पिक्चर या फिर मैप भी हम लोग कह सकते हैं, हालांकि मैप कुछ अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है, बहरहाल कह सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा, इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप मिल जाएगा, शेप पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे शेप मिलेंगे। शेप पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारे शेप मिलेंगे, और उस शेप में से कौन सा शेप आपको चाहिए, अपने इच्छा अनुसार या फिर अपने ज़रूरत के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, कोई भी शेप हम लोग चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जब कोई भी शेप हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो कर्सर ऐसा रहता है वो अब ऐसा बन जाएगा, प्लस का सिंबल, क्या बन जाएगा, प्लस का सिंबल। जब हमारा कर्सर प्लस का सिंबल बन जाए तो हम लोग अब डॉक्यूमेंट में कहाँ पे शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कहाँ भी पे वो शेप बनाना चाहते हैं, जो अभी अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट में हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे शेप बनाना चाहते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद क्या कर लेंगे सर, अपने माउस को ड्रैग करेंगे, क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो शेप हमारे सामने बन जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न। और जैसे ही शेप हमारे सामने बन के आएगा, एक नया टैब आपके रिबन में ऐड हो जाएगा, वो टैब होगा फॉर्मेट का, किसका होगा, यानी शेप बनेगा तो एक अपना नया टैब लेके आएगा, और उस नए टैब के द्वारा उस शेप को आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे शेप बन गया तो ये ब्लू कलर से आएगा, शेप बन के कैसे आएगा, ब्लू कलर से फील होगा। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो इसमें कलर भरा हुआ है ब्लू कलर, तो उस कलर क्या कर सकते हैं सर, चेंज कर सकते हैं, कैसे, फॉर्मेट टैब में जाके फिल कलर का ऑप्शन आएगा, है ना। आप चाहें तो इसका जो आउटलाइन ब्लू दिख रहा है, इसके आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, फॉर्मेट में जाके। अच्छा, फॉर्मेट कब आता है, जब आप शेप बनाएंगे तब ऑटोमेटिक एक टैब हमको नया मिल जाता है, वो क्या होता है, फॉर्मेट का, कोई कन्फ्यूज़न। तो फॉर्मेट में जाके इसके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ये जो शेप बन रहा है इसको 3D शेप में भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे जाके, फॉर्मेट टैब पे जाके, कोई कन्फ्यूज़न, नहीं ना। सो इनफ फॉर टुडे, हम लोग फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे।